अपने जैसे रिसीव किया फिर उसने उस प्रोफेटिक को कि ये मेरे लिए आ गया परमेश्वर और मैं विश्वास करती हूँ। फिर उस दिन से अपनी कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई ट्यूब ड्यूस नहीं की। दो दिन के बाद परमेश्वर ने इसे पूरी तरह से जो छोटे छोटे दाने थे इसकी स्किन के ऊपर एलर्जी के जिसके कारण ये दिन को भी रोती थी कि रात को भी, रात को भी ये कितने परेशान थे। किन के एलर्जियों को आज जितने चमड़ी के रोग हैं मैं खुदावन के रूह को छूते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा जितने चमड़ी के रोग हैं मैं खुदावन के रूह को छूते हुए देख रहा हूं। रिसीव करो और चंगे हो जाओ। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम कमल जी थे और जे मोदल जे पंगाली के रहने वाले हैं और जे पट्टी पर काम करते हैं और वहाँ पर ही रहते हैं पंगाली। और जे बता रहे हैं कि जे सिस्टर की बेटी की गवाही है और जे बता रहे हैं कि 2 महीने हो गए इनकी बेटी के बॉडी में बहुत ज़्यादा एलर्जी के खारिश के दाने हो गए थे जिसके कारण जे सिस्टर काफ़ी परेशान थी और इसकी पूरी बॉडी पर, इसके पाँव पर, इसके पूरे बदन पर ही छोटे छोटे खारिश के दाने थे, बहुत ही ज़्यादा थे। पहले में इस पिक को देखेंगे। और जैसे कि हमने देखा इसके पाँव, इसके बदन में बहुत ही दाने हो गए थे एलर्जी के और जिसके कारण जो बहुत ज़्यादा इन्होंने मेडिसिन भी दी, ट्यूब्स भी यूज़ की पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, जिसके कारण इनकी बेटी बहुत ही रोती थी रात के समय भी और जैसे गर्मी के मौसम कारण भी इसको जो काफ़ी ज़्यादा रोती थी क्योंकि जो एक समय भी पंखे के बिना जो नहीं थी रहती, बहुत ही गर्मी के कारण जो रोती थी और मेडिसिन भी दे रही थी फिर भी इनको उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और जो बता रहे हैं कि जैसे जो सिस्टर 7 मई की इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा वर्ड्स आ गया सबके लिए ले हैंड होगी और जैसे इनके लिए भी ले हैंड होगी। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। और जैसे कि इनके लिए लैंड हुई उस दिन ये सिस्टर ने विश्वास किया कि परमेश्वर जो आपके दास के द्वारा मेरी बेटी के लिए प्रेयर हुई है जो इसके बॉडी में 2 महीने हो गए एलर्जी के कारण बहुत ही छोटे छोटे दाने और बहुत ज़्यादा खारिश होती है, बहुत मेडिसिन भी दे दी पर फर्क नहीं पड़ा, तो जो इन्होंने विश्वास किया। और फिर इन्होंने जो बता रहे कि जो पर्सनल मंडे की मीटिंग में भी आए थे और जो बता रहे कि जो विश्वास कर रहे थे पर जो बता रहे जब भी रात के टाइम जो बेटी रोती थी तो जो बता रहे हैं कि इनके इन्होंने जब मीटिंग की तो इन्होंने परमेश्वर के दास को भी इन्होंने बताया कि जो तो विश्वास करते हैं पर जब रात के टाइम इनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा रोती है तो उस समय इनके हस्बैंड कह देते कि आप इसे मेडिसिन दे दो, तो जिसके कारण इनका विश्वास भी नहीं था बनता क्योंकि जो विश्वास करते थे कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य से इसको अच्छा कर चुके क्योंकि जो जानते थे कि इतनी मेडिसिन भी दे दी फर्क तो कोई पड़ नहीं रहा तो मेडिसिन का फिर कोई असर तो हो नहीं रहा, तो फिर इन्होंने विश्वास ही किया कि परमेश्वर ही अच्छा कर सकते। पर जैसे इनके हस्बैंड कह देते थे कि इसको मेडिसिन दो, ट्यूब लगाओ, तो उसके कारण इसको फर्क नहीं पड़ा था, तो इनका विश्वास भी नहीं भर रहा था। पर पर्सनल जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और भी परमेश्वर के दास ने इनको उत्साहित किया कि जो विश्वास आपने किया है अब उस विश्वास में बने रहे, धन्यवाद है प्रभु इस आपकी बेटी को अच्छा कर चुके, और जो विश्वास करते रहे। और जो बता रहे कि जैसे फिर जो सिस्टर पिछले संडे की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और परमेश्वर के दास जब सबके लिए मास प्रेयर कर रहे थे, दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड्स आए कि जिनके स्किन के चमड़ी के रोग है जैसे भी कोई प्रॉब्लम है आज वो रिसीव करें। पहले में इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। स्किन के एलर्जियों को आज जितने चमड़ी के रोग हैं मैं खुदावन के रूह को छूते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा जितने चमड़ी के रोग हैं मैं खुदावन के रूह को छूते हुए देख रहा हूं। रिसीव करो और चंगे हो जाओ। मैंने कहा रिसीव करो और चंगे हो जाओ। और जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया, विश्वास किया
और जे बता रहे फिर इन्होंने मेडिसिन पर अपना मन नहीं लगाया, इन्होंने विश्वास किया कि जो वचन मुझे परमेश्वर के दास ने पर्सनल मीटिंग में बताया था, तो अभी जो वचन फिर परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मेरे लिए मेरी बेटी के लिए वर्ड्स आया कि जिनके स्किन के चमड़ी के रोग हैं, और इन्होंने विश्वास किया कि जो वचन मेरे लिए है और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु मेरी बेटी को अच्छा कर चुके हैं। और जैसे इन्होंने अपना फेथ अपना विश्वास परमेश्वर को दिया, अपना मन मेडिसिन पर नहीं लगाया, तो परमेश्वर ने भी अपनी सामर्थ को इनके जीवन में प्रकट किया और 2 ही दिन में परमेश्वर ने इनकी बेटी की जो बॉडी पर बहुत ही छोटे छोटे दाने थे, बहुत ही रोती थी, मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ रहा था, परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से आज फ्री कर दिया है। तो सिस्टर जी अभी अपनी बेटी के पांव दिखाएं। तो जैसे कि हमने देखा कोई भी चेक कर सकता है, अभी इसके बदन में भी कोई भी खारिश के छोटे छोटे दाने नहीं है, जो बिल्कुल अच्छी हो चुकी है, परमेश्वर ने इसको अच्छा कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया, अपने हाथों को उठाते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे कलीसिया, जो परमेश्वर ने 2 महीने से इसको एलर्जी के छोटे छोटे दाने दिए इस बच्ची को, और अपने दास के द्वारा जो परफेक्टिक वर्ड दिया इन्होंने रिसीव किया, मीटिंग की इनको और भी टीच किया गया, और आज परमेश्वर ने इनको इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से आजाद कर दिया। अभी जी बिल्कुल मेडिसिन नहीं दे रहे, बिल्कुल कोई इसको खारिश नहीं होती, रात के टाइम अभी जी रोती नहीं है, अभी जी बिल्कुल अच्छी हो चुकी है। हम सब तारीफ करेंगे इसलिए इसको वाही के लिए जोर से अपने हाथों को उठाते हुए। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हमारा परमेश्वर जीवित है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। इन्हें माइक दो। ये कितने महीने थे, कितने महीने से ये प्रॉब्लम थी इसे? पापा जी जय मसीह। पापा जी जय मसीह। पापा जी 2 महीने आ गए ही होने, मतलब 3rd महीने दे विच आन के सही हुई है। 2 महीने से ये प्रॉब्लम थी जिसके लिए आपने बहुत मेडिसिन इसे दी, बहुत ट्यूब यूज की, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। हां जी। ले हैंड भी हुई आपकी? ले हैंड से भी कोई आराम नहीं मिला। सुनो, इस गवाही में एक पॉइंट है, जो लोग ले हैंड करवाते हैं, बाइबल में लिखा बिना विश्वास से मुझे परमेश्वर का कोई खुश नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का सबसे पावरफुल नियम है कि बिना विश्वास से मुझे कोई खुश, चाहे मैं क्यों नहीं, बिना विश्वास से मुझे कोई खुश नहीं कर सकता। ले हैंड तो हुई, पर जब प्रॉब्लम थी तो प्रॉब्लम के कारण विश्वास नहीं बना। जब ये बच्ची रोती थी तो इसके जो हस्बैंड वो कहते मेडिसिन दे दो जल्दी से, तो ये फिर से उस चीज के लिए जिस चीज के लिए ले हैंड हुई विश्वास नहीं बन रहा। पर ये पिछले हफ्ते मंडे की मीटिंग में आए, जो मंडे हम पर्सनल मीटिंग करते हैं ना, जो लोग चक्कर में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, उन्हें हम आराम से समझाते हैं, फिर इन्हें समझाया और सिखाया, इनका मन खुदावन के वचनों के साथ अच्छा हुआ, मन में और विश्वास आया कि नहीं परमेश्वर अब करेगा। और जैसे अपने मन को अच्छा किया, शांत कराया और खुदा पर भरोसा रखा, उसी हफ्ते में मंडे आए और उसी हफ्ते में संडे की मीटिंग में परमेश्वर ने प्रोफेटिक वर्ड दिया कि स्किन के जितने एलर्जी के रोग हैं, खुदावन का रूह आपको शोर और आप आजाद हो रही। आपने जैसे रिसीव किया फिर उस दिन उस प्रोफेटिक को कि ये मेरे लिए आ गया परमेश्वर, और मैं विश्वास करती हूँ, फिर उस दिन से आपने कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई ट्यूब यूज नहीं की। 2 दिन के बाद परमेश्वर ने इसे पूरी तरह से जो छोटे छोटे दाने थे इसकी स्किन के ऊपर एलर्जी के, जिसके कारण ये दिन को भी रोती थी कि रात को भी, पापा जी दिने भी रोंदी से इधर रात को भी, रात को भी। देखो ये कितने परेशान थे, जब छोटा बच्चा पूरा दिन बड़ा, एक मां को पता है, बोलो क्या है, बाप तो अपने काम पर चले जाएगा, एक मां को पता है कि उस बच्चे को पूरा दिन संभालना, पूरी रात संभालना कितना कठिन है।
और बड़ा मन बनाया उस दिन, विश्वास किया नहीं परमेश्वर ये मेरे लिए, अच्छा मन बनाया। और उसी दिन दो दिन में ही, जिस दिन इन्होंने ये प्रोफेटिक को रिसीव किया, दो दिन में परमेश्वर ने पूरी तरह से इस बेटी को फ्री कर दिया। अभी आपने उसके पांव को देखा है, फिर से दिखाओ। मैं देख रहा था अपनी इस साइड स्क्रीन में, ऐसे पूरे मक्खन के जैसे इसके पांव, हाँ इसकी देखो, मक्खन के जैसे पूरे जैसे बच्चे के होते हैं, उसी तरह से फिर से परमेश्वर ने ऐसे मुलायम कर दिए उसके हाथ पांव, पूरी स्किन को मुलायम कर दिया है पूरी तरह। ये बड़ी गवाही है, ये खुदावंद ने बड़ा काम किया है। तारीफ करो, अपने हाथों को उठाकर, ले जाया के नहीं पहाड़ खोल हो सकदा, करिए जे विश्वास के सब कुछ हो सकदा, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा, ते सब कुछ हो सकदा, ते सब कुछ हो सकदा, हालेलुया सब कुछ हो सकदा। बोलो अपने पड़ोसी को, सब कुछ हो सकता है, ले जाया के नहीं पहाड़ खोल हो सकदा, ले जाया के नहीं पहाड़ खोल हो सकदा, करिए जे विश्वास सब कुछ हो सकदा, के सब कुछ हो सकदा, के सब कुछ हो सकदा। आमीन। आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कुछ कहना चाहते हो परमेश्वर के लिए? मैं अपने बच्चे लिए बहुत खुश हूँ। खुश हो कि पूरी तरह से? हाँ जी पापा जी, अभी खुश हो? हाँ कितनी, दो महीने से दिन रात कितनी रातें गुजर गई बेचैनी में, हाँ खुश क्यों नहीं होगा? जो दो महीने से कोई व्यक्ति इतना परेशान है, आज खुदा ने पूरी तरह से आजाद किया है। आमीन। दिल खुशियां दे नाल भर आया, दिल खुशियां दे नाल भर आया, मैं किनू किनू दसा, नी मैं उछल उछल के नचा, मैनू बरकत दित्तियां यीशू ने, उछल उछल के नचा, मैनू बरकत दित्तियां यीशू ने।